नमस्कार, मैं अंकिता आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनने वाले पास्ते की रेसिपी। पास्ता खाना तो हर किसी को पसंद है, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए बनाते हैं वेजिटेबल पास्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। 1 कटोरी टमाटर का पेस्ट, 1 बड़ा प्याज लिया है जिसको इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है, 1 कटी हुई शिमला मिर्च, चिल्ली फ्लेक्स और 10 से 12 लहसुन की कलियां जिनको छोटा छोटा काट कर ले लिया है, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1.5 कप पास्ता। अब सबसे पहले हम पास्ते को बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने 3 गिलास पानी लिया है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल, इससे पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। और अभी हम पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे। देखिए पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे पास्ता। अब हम 10 मिनट इसको बॉईल करेंगे। 10 मिनट हो गई है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे निकाल कर कट करके देखते हैं ये बॉईल हुआ है या नहीं। देखिए ये आसानी से कट रहा है, यानी कि ये अच्छे से बॉईल हो गया है। पास्ते को बॉईल होने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब पास्ते को एक छलनी में डाल के इसका पानी निकाल देते हैं। इस तरह से देखिए हमने इसे छलनी में डाल के इसका पूरा पानी निकाल दिया है और पास्ता बिल्कुल अलग हो गया है। अब एक बार इसे मैं ठंडे पानी से अच्छे से धो लूंगी ताकि ये आपस में चिपके ना और खिला खिला बने। अब हम इसके मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल का डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 0 को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए जीरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन हमें ज़्यादा डालना है क्योंकि लहसुन से पास्ते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक। आप चाहे तो अदरक के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सभी मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। आप चाहें तो इसमें और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गाजर, बीन्स, जो आपको पसंद हो। अब प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज को मैंने 2 मिनट हाई फ्लेम पे पका लिया है और प्याज हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। ये पास्ता आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही कम सामान से ये बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च और अब हम इन्हें थोड़ी देर और पकाएंगे। इतनी देर पकाना है जिससे कि शिमला मिर्ची और टमाटर अच्छे से पक जाए। देखिए शिमला मिर्ची नरम हो गई है और टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी मसालों को पकाते समय गैस का फ्लेम हमें लो रखना है।
देखिए सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं। मसालों के पकने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच टमाटो केचप और इसे भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए पास्ते का पूरा मसाला अच्छे से पक गया है, अब ये रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता। पास्ता डालने के बाद 1 मिनट और पकाएंगे ताकि जितने भी मसाले के फ्लेवर हैं वो पास्ते में अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए पास्ता मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए ये टेस्टी सा पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ। तो आप एक बार इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे बनाना जितना आसान है उससे कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट लाजवाब है। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।